तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का नई वीडियो में। आज मैं फिर से खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट, और ये माइनक्राफ्ट का होने वाला है मेरा पार्ट 5। अगर आप लोगों ने पार्ट 4 नहीं देखा तो जाकर जल्दी से देख लेना। पार्ट 4 आया था 4 महीने पहले। भाई काफ़ी दिनों से मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया है, जिसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे पढ़ाई से रिलेटेड और समथिंग, तो उसके बारे में यार ज़्यादा रोना धोना ना करते हुए वीडियो को जल्दी से कर लेते हैं शुरू। थैंक यू। तो भाई एक बात तो बताना भूल गया, मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं भाई 200। हम लोग 200 मतलब क्रॉस कर चुके हैं यार, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। एंड आप लोगों ने पार्ट जो हमारा 1 था उसके ऊपर भाई 6,500 व्यूज़ कंप्लीट करा दिए, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो एंड अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने बनाया था ये फार्म, एंड ये हेबिल का यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना, तो सही है। इधर हम लोग देख लेते हैं, हमने बनाया था पिछली वीडियो में एक काउ फार्म भी और एक शीप फार्म, दोनों के दोनों आप देख सकते हो। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो जल्दी जाके देख लेना। तो इधर भाई सबसे पहले तो मैं अपने पास देख लेता हूँ मेरे पास क्या क्या है। वैसे तो मेरे पास सारी चीज़ें हैं ही, तो नीचे चल लेते हैं बस जल्दी से। तो मैं अपनी माइन में आ गया हूँ, जल्दी से भाई माइनिंग वगैरह करते हैं। एंड डायमंड ढूंढने का आज मेरा फिर से मकसद रहेगा। पिछली वीडियो में ढूंढे थे लेकिन उतने नहीं ढूंढे थे यार, अब की बार थोड़े ज़्यादा ढूंढने हैं। तो मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ पार्ट्स को, क्योंकि मैं नहीं चाहता ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए। वैसे वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी मुझे पता है, बट आप लोग देख लेना यार, है ना, बहुत मेहनत लगती है एडिट करने में। तो जल्दी से भाई चलते हैं, जल्दी से मैं इसको थोड़ा तेज़ तेज़ कर लेता हूँ। इधर मिल गया रेडस्टोन, तो रेडस्टोन को भी जल्दी से तोड़ लेते हैं। और भाई ऊपर मेरे को मिल गया इधर लैपिस लजूली, तो लैपिस लजूली को भी जल्दी से तोड़ते, इसका काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है एन्चेंटमेंट करने में, तो ले लेते इसको जल्दी से। और इस जगह का यार पैचअप, जो ये पैच हो गया ना, इसको भी बंद करेंगे। लेकिन यार मुझे लग रहा है ऊपर कुछ ना कुछ है, जैसे केव वगैरह। तो इधर होलो स्पेस तो है बट केव, कोई केव का तो कुछ भी नहीं दिख रहा। आयरन है, आयरन ले लेते हैं जल्दी से, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज की भाई बहुत ज़्यादा कमी है, एंड मैं नहीं चाहता कि मैं बिल्कुल ही कंगाल हो जाऊँ गेम में। तोड़ लेते जल्दी से। तो आयरन वायरन तो मैंने तोड़ लिया है, जल्दी से भाई मैं माइनिंग अपनी कंटिन्यू कर लेता हूँ। और इस जगह को भी भर देते हैं, क्योंकि बहुत गंदी लगती है यार, मैं नहीं चाहता, मतलब मेरी माइंड में मैं जब भी आऊँ तो मुझे ऐसा लगे यार बेकार लग रहा है या फिर कुछ भी। तो इधर ग्रेवल यार बहुत सारा था, तो इसको हटाते हैं जल्दी से। तो यार ऊपर आप लोगों ने जैसा कि देखा एक माइन शाफ्ट है यार, माइन शाफ्ट पिछली वीडियो में भी एक्सप्लोर की थी, एंड एक और मिल गई यार, मज़ा आ गया। पता नहीं इसमें क्या होगा। तो यार वो माइन शाफ्ट वही माइन शाफ्ट थी जो हम पिछली वीडियो में एक्सप्लोर कर चुके थे यार। कोई बात नहीं यार, आगे जल्दी से जल्दी हम माइन करते रहते हैं एंड देखते हैं क्या मिलता है। तो भाई काफ़ी देर से मैं माइन कर जा रहा हूँ। इधर कोल है, कोल भी ले लेता हूँ जल्दी से। मैंने ना थोड़ा थोड़ा काट रखा है पार्ट्स को, तो आप लोग है ना चिंता मत करना, मैंने कुछ भी भाई क्रिएटिव से कुछ भी नहीं उठाया है, ठीक है, कितने सबूत दो यार, है ना। इधर रेडस्टोन था, रेडस्टोन वगैरह भी मैंने ले लिया है। एंड ऊपर से मेरे को कुछ आवाज़ें आ रही हैं यार, ऊपर कुछ है। अरे 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 भाई भाई भाई, ये केव है क्या? एक सेकेंड एक सेकेंड, स्वागत तो करो हमारा। बस प्रेम से समझा रहा हूँ, चुपचाप पतली गली से निकल जाओ। एक ज़ोंबी कहाँ से आ गया, इसको तो मारो यार। तो भाई ऊपर चलते जल्दी से, मैं इंतजार नहीं कर सकता। अभी ऊपर आने के बाद भाई साहब ये भी एक माइन शाफ्ट है, बट ये एक्सप्लोर नहीं कर रखी यार मैंने, ये कौन सी है? तो भाई इसको जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं इधर क्या क्या है। मैं इधर थोड़ा नीचे आ गया था, एंड नीचे भाई साहब एक माइनकार्ट रखी है जिसके अंदर लैपिस लजूली यार, कुछ खास सामान तो था नहीं, ऐसे ही कचड़ा वचड़ा भर रखा है इन्होंने, इनसे ज़्यादा तो सामान मेरे पे ही पड़ा है। इधर कुछ भी नहीं है, जल्दी से आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ा सा ट्रिम करता रहूँगा पार्ट्स को ताकि आप लोगों को ज़्यादा लंबी ना लगे वीडियो। इधर ऊपर आयरन था, आयरन ले लेते हैं, एंड जल्दी से भाई ऊपर चलते हैं। ऊपर भी एक रास्ता सा खुल चुका है, ऊपर मैं इधर आ गया हूँ। इधर ड्रिप स्टोन वगैरह है, अगर आप लोगों को पता होगा नए अपडेट के बाद ये स्टोन्स ऐड हो गए थे,
एंड इधर आयरन ले लेते हैं, आगे चलते हैं, आगे रास्ता बंद है तो इस कर इधर वो ब्रिज कर लेते हैं कोबलस्टोन से। इसके आगे भी कुछ है यार, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी माइन शाफ्ट है यार, इधर अंधेरा बहुत है, लेकिन चला जाए यार, क्या कर रहा है। जल्दी से चलते हैं, यहाँ पे एक स्लाइम है, स्लाइम को जल्दी से मार लेते हैं। भाई कितनी अनोइंग है यार ये, डबल होती रहती है तो भाई, कितने सारे आ गए। बट सही है, इनसे मेरे को भाई जो स्लाइम बॉल मिलती है ना वो मिल जाएगी, सही है। इधर कुछ भी नहीं है, पीछे ही चल लेता हूँ यार, टाइम वेस्ट है यार। इधर मैं आगे आया था, यहाँ पे मेरे को मिल गया एक स्पाइडर स्पॉनर। अरे यार शिट, तो मैं जैसे ही बता रहा था स्पाइडर स्पॉनर मिल चुका है, इसको जल्दी से क्लियर आउट कर लेता हूँ मैं पूरे के पूरे। एंड स्पाइडर आ गई, ऑब्वियसली स्पाइडर स्पॉनर के पास स्पाइडर तो होगी ही, इसको क्लियर करते जल्दी से। One eternity later. तो भाई मुझे इधर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया पूरे के पूरे वेब्स को क्लियर करने में। एंड इधर नीचे क्या है भाई, जल्दी से क्लियर करते हैं यार, ये तो बंद है भाई। शिट, इतनी मेहनत भाई किसी, बस मतलब दीवार देखने के लिए मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली। और इधर मैं आ गया, इधर ये ज़ोंबी था, ज़ोंबी को जल्दी से मार लेते हैं। एंड इधर यार काफ़ी बड़ी केव है, मतलब माइन शाफ्ट है, आप लोगों ने जैसे देखा होगा। और इस स्केलेटन भाई साहब, मरिया स्पाइडर भी है यार, तो इन दोनों को जल्दी से मैंने मार लिया। एंड पीछे भी कुछ भी नहीं है यार, इधर ये खाली है भाई, मेरा टाइम वेस्ट हो जा रहा है मेरे को लग रहा है ऐसा। एंड ओ भाई साहब, मैं इधर से निकल गया था भाई, डायमंड ओ शिट भाई, इतने भाई मैं है ना अभी इनसे पास आउट हो गया था, और मैंने पीछे मुड़ के देखा डायमंड भाई साहब कितने, देख लेते हैं एक बार जल्दी से माइन करके। एक दो तीन चार पांच डायमंड भाई, उनको माइन करने के बाद मैं इधर आ गया, मुझे थोड़ा सा इधर आयरन भी मिल गया। एंड इधर काफ़ी सारे रास्ते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना चाहिए। ऊपर स्लाइम है, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। और स्लाइम से तो मेरी इतनी बड़ी दुश्मनी हो चुकी है ना, मैं इनको तो ख़त्म करके मानूंगा मैं तो। ये रही स्लाइम, ओ भाई डायमंड, खुशी इतनी खुशी मुझे तो। भाई सपना चल रहा है, क्या हो रहा है, इतने सारे डायमंड कैसे मिल रहे हैं मेरे को। और ये भी काफ़ी बड़ी वेन लग रही है मेरे को देखने में। शिट वाई, बहुत सही यार। पैसा ही पैसा होगा। तो जल्दी से तोड़ के देख लेता हूँ कितने डायमंड यार, रहा नहीं जा रहा मेरे से तो बिल्कुल भी। तो तीन चार पाँच छः सात, मैंने गिने नहीं यार, पता नहीं कितने, लेकिन सात आठ डायमंड तो थे। और यार काफ़ी सही अमाउंट हो गया यार मेरे पास डायमंड के। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। एक और भाई, ये डायमंड क्या हो रहा है यार, क्लियर आउट करके देखते हैं, अभी तो एक ही मिला है तो ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए था, एक ही डायमंड था उधर। बट यार काफ़ी ज़्यादा डायमंड मिल गया मेरे को ऐसे देखा जाए तो। A few moments later. भाई मेरी यहाँ पे आना है ना बिल्कुल ज़्यादा, मतलब सही रहा मैंने आ गया यहाँ पे, अदरवाइज मैं स्किप कर देता ना तो डायमंड भी नहीं मिल पाते मेरे को। फिर नीचे आ जाता हूँ, इधर आयरन है एंड यहाँ के तो कुछ भी नहीं है यार, आयरन वायरन ही ले लेंगे जल्दी से, इसको जल्दी से तोड़ते हैं। आयरन तोड़ने के बाद मैं इधर आ गया था। एंड इधर भाई सब चीज़ें मेरे को सेम सी लग रही है। और ये स्लाइम भाई कितनी बार आएंगी, ये स्लाइम कितनी सारी हैं, मेरी स्वॉर्ड भी टूट चुकी है इनको मार मार के, एक्स से काम चलाना पड़ रहा है, तो जल्दी से मारते हैं। और ये तो वही जगह नहीं आ गई शायद जहाँ से मैंने डायमंड लिए थे, पता नहीं मेरे को याद नहीं है, लेकिन यार मैं भूल सा गया हूँ यार। काफ़ी ज़्यादा बड़ी केव है, कुछ समझ नहीं, केव नहीं सॉरी माइन शाफ्ट है, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। और मैं इधर नीचे आ गया और मेरे को दिख गया भाई गोल्ड, तो डायमंड भी हो गए, गोल्ड भी हो गए, आयरन भी मिल रहे हैं, काफ़ी सारे रिसोर्सेज तो मेरे को इधर से ही मिल गए, तो यार सही है, मेरी पूरी की पूरी मेहनत बच गई, वरना मेरे को इतना ज़्यादा माइन करना पड़ता माइन उसमें, अगर मैं स्ट्रिप माइन करता तो। सही है भाई, माइन शाफ्ट मिल गई है। और यहाँ पर भाई एक और स्लाइम, कितनी स्लाइम आएंगी भाई, मैं अभी तक शायद कम से कम चौथी स्लाइम होगी है जिसको मैं मार रहा हूँ। कोई नहीं, इसको मार लेते हैं जल्दी से, एक्सपी भी तो देते हैं, चलो ये भी तो सही है। और अब कहाँ जाया जाए, इधर चलते हैं जल्दी से। तो
तो यार मैं हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा बोर और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। अब मैं ना ऊपर जाने वाला हूँ जल्दी से, क्योंकि मैं आप लोगों का और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता भाई। डिग कर करके हालत ख़राब हो गई है मेरी और मैं ऊपर आ चुका हूँ। थोड़ा सा और बिल्ड कर लेता हूँ, कभी कोई मॉब वॉब ना हो आसपास, क्योंकि रात का टाइम है। तो उधर एक क्रीपर भी दिख रहा है, एक स्पाइडर भी है, ये बेबी ज़ॉम्बी भी है यार। इधर से कैसे एस्केप करूँ यार? भाई स्पाइडर ऊपर चढ़ गई भाई, लिटरली यार। आगे मेरे को अपना विलेज तो दिख रहा है, जल्दी से चलते हैं उधर और अपने घर में चलते हैं। भाई सुबह तो हो चुकी है और मैं अपने घर में भी पहुंच चुका हूं और रिस्पॉन पॉइंट को जल्दी से सेट कर लेता हूं। कभी यार मैं मरमरा जाऊं, क्योंकि आपको पता ही है मैं बहुत हैवी ड्राइवर हूं। जल्दी से अपने आयरन जो भी मैं कलेक्ट करके लाया था उसको इधर डाल देते हैं, एंड इधर मैं अपना डायमंड वगैरह रख लेता हूँ। भाई 20 डायमंड हो गए। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि मेरे को डायमंड के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डायमंड है मेरे पास अभी। तो इधर यार काफ़ी सारे सामान को इधर उधर करने के बाद मैं आ गया बाहर, और बाहर भाई देख लेते अपनी क्रॉप्स को। क्रॉप्स तो ठीक ही हैं यार, पता नहीं स्लो उग रही हैं यार, उग नहीं रही इतनी जल्दी जल्दी, मतलब उगनी चाहिए थी क्योंकि मेरे को कम से कम गए हुए एक या डेढ़ दिन तो हो गया होगा। आगे भाई वो विलेज है, इसको भाई मैंने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, तो जाने का कोई तो बनता नहीं है। और भाई ये हमारी गायें और शीप्स, इनसे क्या ही मुलाकात करवाऊँगा ना, इनकी फैमिली भी बहुत छोटी है। तो इधर यार मेरा मोस्ट ऑफ द आयरन पक चुका है भाई, बहुत सारा आयरन है। मेरी एक्सपी भी बढ़े जा रही है इनको कलेक्ट करने से। इधर मेरे पास गोल्ड भी है जो मैंने स्मेल्ट करने के लिए लगा रखा था, वो स्मेल्ट हो गया। अब मेरे पास भाई काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हो चुके हैं, मतलब सही है यार, बहुत बढ़िया। इधर मैं आयरन को ले लेता हूँ और देख लेता हूँ यार मैं अपने लिए क्या बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे को स्वॉर्ड की तो जरूरत थी, क्योंकि मेरी स्वॉर्ड टूट चुकी थी और ये बाकी का आयरन रखा है। लेकिन मेरे को अभी आइडिया आ रहा है, एक काम करते हैं फिशिंग रॉड बना लेते हैं, फिशिंग करेंगे। एंड मैंने सुना फिशिंग से बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि एंचेंटेड चीज़ें मिलती हैं, बहुत मतलब मज़ा आ जाता है, और फिशेज तो मिलती हैं ऑब्वियसली, खाने का भी जुगाड़ हो जाता है। तो जल्दी से फिशिंग करने भी चलते हैं बाहर। अभी देखते हैं यार, मेरे पास खाना भी तो नहीं है। अच्छा इधर मैंने 3 चिकन लगा रखा था, उसको उठा लेते हैं और जल्दी से भाई मैं अभी जाने वाला हूँ बाहर की तरफ। और गोल्ड भी है, इधर गोल्ड भी लगा रखा है भाई, सही है अपना। आप लोग मेरे को है ना कमेंट सेक्शन में यार ज़रूर बता देना, आप लोग बताते हो और मेरे को आपके कमेंट पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, तो बता दिया करो कि मेरे को क्या करना चाहिए। अभी जल्दी से चलता हूँ मैं बाहर। भाई मैं उसी विलेज की तरफ आ चुका हूँ, एंड थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि इधर मज़ा नहीं आ रहा है ना देखने में भी, छोटा सा पॉन्ड टाइप का ही है, कुछ खास बड़ी जगह नहीं है, थोड़ी बड़ी जगह पर चलते हैं यार। इसके पीछे एक रिवर है, आप देख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसमें इधर हम थोड़ी फिशिंग कर सकते हैं, तो कर लेते हैं थोड़ी सी। फिशिंग के पार्ट को भी मैं थोड़ा ट्रिम करके दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि फिशेज ही मिल रही है ऑब्वियसली। इधर एक मिल गई, इधर भी एक फिश मिल गई, और यहाँ पर भी एक, कुछ मिला ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं मिला, हो जाता है ऐसा भी कभी कभी। इधर भी कुछ नहीं मिला, तो करते रहते हैं भाई फिशिंग, क्योंकि फिशिंग से यार एक्सपी भी मिल रही है। आप देख सकते हो मेरा जो एक्सपी बार है वो भी बढ़ता जा रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इधर एक ज़ोंबी है, नहीं ज़ोंबी नहीं, क्या बोलते इसको, ड्राउन, हाँ ड्राउन है इधर एक, इसके साथ थोड़े मज़े लेते हैं, इसको बाहर खींच लेते हैं भाई। इसका भाई भी आ गया, भाई भी आ गया, भाई भी आ गया, इसके मज़े लेते हैं भाई, बाहर खींचते इसको। भाई बद्दुआ दे रहा हुआ है मन ही मन में, बट क्या ही कर सकते हैं, मारना ही पड़ेगा इसको, मार देते हैं जल्दी से। इसने भी एक्सपी दे दी, इसके भाई को भी लाते हैं जल्दी से और इसको मारते हैं, खींच लेते हैं जल्दी से। तो भाई इनको जल्दी से ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं, इनसे मिल गया मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपी, और मैं फिशिंग अपनी कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे यार कुछ भी नहीं मिला, टाइमिंग गलती करते, इधर मिल गई मेरे को भाई पफर फिश, नहीं पफर क्या होते, क्या कहते पता नहीं, लेकिन ये फिश मिल गई मेरे को, ये रेयर होती थोड़ी सी बट सही है। और हम लोग ऐसे फिशिंग करते रहेंगे करते रहेंगे। और ये, ओ भाई असली फिश, असली फिश को भी कर सकते हैं यार, दूर चली गई, करके देखना था कि अगर हम असली को पकड़ सकते हैं, नहीं बट कुछ आ रहा है। और ये हमें मिल गई एक और फिश, भाई फिश ही फिश मिल रही है, एक्सपी मिल रही है और फिशेज भी मिल रही हैं, बट कुछ बढ़िया नहीं मिल रहा, मतलब है ना तड़कता भड़कता वो नहीं मिल रहा। तो फिशिंग करके देख लेते हैं यार, आप लोग भी सोच रहे होगे ना फिशिंग से क्या तड़कता भड़कता मिलता है, बट मैंने देखा है भाई यूट्यूबर्स की वीडियो में उन्हें बहुत कुछ मिलता है। इधर एक और फिश,
एंड कुछ और भी आ रहा है, ये क्या है? कुछ मिला ही नहीं, शाबाश भाई, भसड़ है यार, आगे चलते हैं। A few moments later. तो भाई मैं थोड़ा और आगे आ गया और ये नदी यार और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई, इधर कर लेते हैं। ये क्या है, बट पत्ती मिली, पत्ती का मैं क्या करूँगा भाई, पत्ती वत्ती दे रहे हैं माइनक्राफ्ट वाले, क्या कर रहे हो भाई तुम। तो रात हो गई थी और मैं रात को सो गया एंड सुबह सुबह फिर से फिशिंग के काम में लग गया। ऑब्वियसली मैं नल्ला हूँ, मुझे कोई और काम नहीं है। और फिश मिल रही है भाई, कुछ खास नहीं मिल रहा, फिशी फिश मिल रही है, पर सही है खाने का जुगाड़ हो गया, वरना कहाँ मैं एनिमल्स को ढूंढता बार बार। फिश मिल रही है वो भी सही है। और भाई ये क्या है, एक मिनट एक मिनट, ये मुझे कब मिली? इसको खोना नहीं चाहता मैं, जल्दी से है ना भाई घर चल देता हूँ, अपने बेड बेड को तोड़ते जल्दी से घर चलते हैं एंड एक एनविल बनाते हैं जल्दी से। तो भाई एनविल तो मैंने सबसे पहले बना लिया है, एंड एनविल को पुट कहाँ किया जाए, कहाँ प्लेस करें एनविल को यार, इधर तो इधर अच्छा ही लगेगा, अच्छा तो ऐसे किधर भी लगेगा, घर को बड़ा बनाएंगे तब देखेंगे। एंड इधर मैंने अपना एनविल पुट कर दिया है, इसमें हम रख लेते हैं अपनी दोनों की दोनों फिशिंग रॉड, इन्हें कंबाइन कर लेते हैं। भाई क्या गजब की ओपी बनी है भाई, ये एक नंबर यार। इधर मैंने अपनी फिशेस को भी डाल दिया है पकने के लिए, और ये पक जाएंगी तो मज़ा आ जाएगा, फिर खाने की थोड़ी कमी पूरी हो जाएगी। जल्दी चलते हैं दोबारा फिशिंग करते हैं, क्योंकि नई फिशिंग रोड से क्या पता लक और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाए हमारा, गैस कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं होएगा नहीं होएगा। तो इधर कुछ मिलेगा क्या भाई, मिल रहा है कुछ, और फिश ही है यार, क्या पोपट हो रहा है मेरा। और एक और फिश भाई, आप लोगों ने देख लिया होगा ना, फिशिंग से भी बढ़िया बढ़िया सामान मिल जाते हैं, जैसे मेरे को ये फिशिंग रॉड मिल गई यार, एक नंबर की एन्चेंटेड फिशिंग रॉड है, पता नहीं और क्या क्या मिल सकता है। मैंने क्योंकि ज़्यादा फिशिंग कभी की नहीं है, मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन यूट्यूब पर वीडियोस देखी ना तो पता चला कि फिशिंग से बहुत कुछ मिलता है। इधर एक और बार करके देख लेते हैं क्या है, कोई मछली फंसती कि नहीं। तो यार एक और चीज़ फंसी है, वो है एक फिशिंग रॉड मिल गई यार बिना किसी एन्चेंटमेंट के, सही है, बट ये हम खुद भी क्राफ्ट कर सकते हैं, तो उसमें कोई तड़कती भड़कती चीज़ नहीं है। इधर मिल गई एक और फिश भाई, फिशेज ही मिली जा रही हैं, कुछ थोड़ा बहुत सामान इधर उधर मिल रहा है, लक कह सकते हैं क्योंकि फिशेज अब मिल रही हैं। उस टाइम पे मेरे को काफ़ी वेट करना पड़ रहा था फिशेज के लिए, अब भी मोस्टली फिशेज तो मेरे को मिल जा रही हैं। देखो जैसे एक और आ गई, अरे यार मैंने पहले ही कर लिया, टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लेट करोगे तो भी नहीं मिलेगी, जल्दी करोगे तो भी नहीं मिलेगी। भाई दिमाग ख़राब हो गया फिशिंग करते करते, कुछ खास नहीं मिल रहा, तो मैं थोड़ा फास्ट मोशन में कर देता हूँ इसको, आप लोग भी बोर ना हो जाओ और मैं तो हो ही रहा हूँ यार, है ना। ओ भाई एक एन्चेंटेड बुक मिली है, किस चीज़ पर, शार्पनेस 3 और फायर एस्पेक्ट 1 यार, ये तो एक नंबर की मिल गई यार मेरे को, बढ़िया है। इसको मैं अपनी स्वॉर्ड में लगा सकता हूँ, काफ़ी सही हो जाएगी मेरी फिर स्वॉर्ड, अभी नहीं बनाऊंगा स्वॉर्ड, डायमंड वैसे हैं, आप लोग बताना मेरे को क्या बनाना चाहिए डायमंड का। बाकी एक और फिश आ रही है, इसमें भाई एक और एन्चेंटेड बुक, भाई ये कौन सी है, ये है फर्स्ट वॉकर 2 एंड समथिंग एल्स, मैंने पढ़ा नहीं। तो रात हो गई थी और मैं इधर विलेज में आ गया था, जो मेरे इसके पास था फिशिंग करने के स्पॉट के, फिर रात से सुबह हुई, सुबह से मैं घर आ गया, सुबह सुबह घर आने के बाद मैंने अपनी दोनों की दोनों एन्चेंटेड बुक्स को रख दिया है और बाकी का सामान भी रख दिया। तो थैंक यू गाइज सो मच, आप लोगों ने वीडियो अगर एंड तक देख लियो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और नए पार्ट में मेरे को क्या क्या करना चाहिए इसका भी आप लोग मेरे को सजेशन दे सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।